भारतीय कांग्रेस कमेटी अपना निर्णय लेगी और उसके आधार पर ही अगला कार्यक्रम बनेगा। सर, कुछ सिविल सोसाइटी और बाकी एनजीओ या इस तरह के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, क्या उन सबों के साथ भी बातचीत करके कोई एक रूपरेखा तय की जाएगी? बात वही है, हम लोगों का जो संघर्ष है वो विचारधारा का संघर्ष है। हमारी लड़ाई विचारधारा की, कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस वो विचारधारा है जो सबको जोड़ती है और हमारा संघर्ष उस विचारधारा से है जो समाज को विघटित करती है, तोड़ती है, नफरत फैलाती है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो सिविल सोसाइटी या अलग पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट करते हैं उनका स्वागत है। तो क्या अन्ना आंदोलन के जरिए जिस तरह से बीजेपी ने यूपीए की सरकार के खिलाफ एक जनमत तैयार किया? बात ये, अन्ना को तो उसका दुरुपयोग किया गया है। टोटल नीचे कर लो, अन्ना हजारे साहब का बहुत सम्मान करता रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे प्लानिंग बोर्ड के मेंबर रहे, बहुत सज्जन और सरल आदमी का दुरुपयोग सब लोगों ने किया। उस समय जितने लोग इसमें शामिल थे अन्ना आंदोलन में, प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, किन मुद्दों को चिन्हित किया है इस कमेटी ने जिस पर की कांग्रेस आंदोलन करे? ये सारी चीजें जो है AICC को भारतीय कांग्रेस कमेटी अपना निर्णय लेगी और उसके आधार पर ही अगला कार्यक्रम बनेगा। सर, कुछ सिविल सोसाइटी और बाकी एनजीओ या इस तरह के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, क्या उन सबों के साथ भी बातचीत करके कोई एक रूपरेखा तय की जाएगी? बात वही है, हम लोगों का जो संघर्ष है वो विचारधारा का संघर्ष है। हमारी लड़ाई विचारधारा की, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस वो विचारधारा है जो सबको जोड़ती है और हमारा संघर्ष उस विचारधारा से है जो समाज को विघटित करती है, तोड़ती है, नफरत फैलाती है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो सिविल सोसाइटी या अलग पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट करते हैं उनका स्वागत है। तो क्या अन्ना आंदोलन के जरिए जिस तरह से बीजेपी ने यूपीए की सरकार के खिलाफ एक जनमत तैयार किया? बात ये, अन्ना को तो उसका दुरुपयोग किया गया है। टोटल नीचे कर लो, अन्ना हजारे साहब का बहुत सम्मान करता रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे प्लानिंग बोर्ड के मेंबर रहे, बहुत सज्जन और सरल आदमी का दुरुपयोग सब लोगों ने किया। उस समय जितने लोग इसमें शामिल थे अन्ना आंदोलन में, प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, किन मुद्दों को चिन्हित किया है इस कमेटी ने जिस पर की कांग्रेस आंदोलन करे? ये सारी चीजें जो है AICC को हमने बताया। अलीशा बेगम, एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तों छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुसे नु मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37 467।